नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन तोमर और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज फिर मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका कारण बताऊंगा और उसका उपचार बताऊंगा और क्यों होती है इसके बारे में बताऊंगा। और आज मैं जिस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसको हम बोलते हैं सियाटिका। ये एक मशहूर दर्द है जिसे हम बोलते हैं मशहूर दर्द है जिसे हम सियाटिका कहते हैं। और जो ये दर्द है बहुत ही कष्ट देने वाला दर्द है। यदि ये समय पर ठीक हो जाता है तो ठीक है, यदि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो ये बहुत ही असहनीय दर्द हो जाता है जिसमें आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। इसके बारे में बताऊंगा। इसको हम सिंपल दूसरी भाषा में कह सकते हैं, देसी भाषा में कह सकते हैं लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं और वायु की पीड़ा भी कहते हैं और इसको बोलते हैं कूल्हे और जांघ का दर्द भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये कमर से लेकर और एड़ी तक दर्द होता है। अब मैं आपको थोड़ा सियाटिका का इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये क्या है। सियाटिका जो होता है एक सियाटिक नर्व होती है जो हमारी स्पाइनल कोड बोलते हैं, हमारी सिंपल भाषा में बताओ कमर को स्पाइनल कोड है, वहाँ से स्टार्ट होती है और ये हमारे नीचे तक जा रही है, जो आपकी एड़ी है पंजों तक वहाँ तक जा रही है। ये हमारे क्या है, जो सियाटिका नर्व है ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी मेन नर्व होती है, मेन नाड़ी जिसको हम बोलते हैं, और ये सबसे मेन हमारी बॉडी की नर्व होती है। ये हमारे स्पाइनल कोड से निकलेगी, स्पाइनल कोड L4 और L5, ये लंबर वर्टिब्रा है कमर में होती है, L4 L5 से निकलेगी और फिर ये जाएगी फर्स्ट सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में और उसके पांच रूट होते हैं उसके थ्रू ये निकलती है। पहले तो जाएगी L4 L5 से निकलेगी, फिर जाएगी फर्स्ट और सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा और फिर ये जाएगी बैक ऑफ थाई, जो बैक ऑफ थाई है हमारी वहाँ पर जाएगी और घुटने से नीचे जाते हैं, ये दो भागों में बट जाती है और ये हमारी एंकल में चले जाती है। अब मैं सियाटिका के कारण बताऊंगा। वैसे तो ये मेनली 40 और 50 साल के लोगों को होती है लेकिन आजकल ये कम एज में भी ज़्यादा हो रही है। इसके जो कारण है, सबसे पहले बताऊंगा गठिया। आपको मैंने आपको पिछली बार जो वीडियो बनाई थी वो मेरा गठिया के ऊपर था, जिसको आप देख सकते हैं। जिसको गठिया होता है उसको ये मेनली ज़्यादा होती है। सेकेंड है, किसको चोट लग जाती है, जैसे चोट लगी या पेल्विस रीजन है वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, चोट भी लग सकती है, कोई इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे पस पड़ गई और जो नस है सियाटिका नर्व है उस पर प्रेशर आ गया, उसकी वजह से सियाटिका होता है। थर्ड है, जो पर्सन है, जो पेशेंट है वो ज़्यादा देर तक बैठा रहता है, सिटिंग लाइफ होती है या जो सेडेंटरी लाइफ होता है, जो अपनी मूव नहीं करता है बॉडी को, उसको ये ज़्यादा होती है। फोर्थ है डिलीवरी के टाइम जो लेडी है वो ज़्यादा प्रेशर लगा देती है, उसी की वजह से भी सियाटिका जो नर्व है वो दाब में आ जाती है, बाद में चल के उसको पेन चालू हो जाता है। अब मैं सियाटिका के जो मेन लक्षण हैं, जो मेन सिम्टम्स हैं वे आपको बताऊंगा। जो सियाटिका का जो दर्द है वो हमारी कमर से स्टार्ट होता है और हमारे कूल्हे तक से जाता और नीचे एड़ी तक जाता है। वैसे मेनली एक तरफ होता है लेकिन किसी किसी में दोनों तरफ भी होता है और ये मेनली ज़्यादातर ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है और दाहिनी तरफ ज़्यादा होता है। इसकी मैं एक आपको पहचान बता देता हूँ, सिंपल सी पहचान है इसमें, कि जहाँ पर आपकी सियाटिका नस जा रही है, जो नर जा रही है वहाँ पर आपको पेन होना चालू हो जाए तो समझ लेना आपको सियाटिका है। और यदि आपको ने समय पर इसका ट्रीटमेंट ले लिया तो ठीक है, ये इजली ठीक हो जाता है, लेकिन यदि आपने थोड़ी सावधानी इसमें बरती तो इसका बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। जैसे आपके जो जांघ है और जो पैर है उसकी जो मांसपेशी है, मसल्स है, उसमें सूखने लग जाती है। आपने सुना होगा कि एक तरफ का पैर सूखता जा रहे हैं, वो इसी के कारण होता है कि वहाँ पे जो नस है वहाँ पे जो खून का फ्लो है, जो ब्लड फ्लो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे नस है वो ब्लॉकेज होने चालू हो जाती है और ब्लड फ्लो कम होने के कारण है वहाँ पर मसल्स वीक होती चले जाती है, जो मसल्स के टेंडन है वे सूख टूट कर गिरने लग जाते हैं। अब मैं आपको सियाटिका का क्या रोकथाम और उसका बचाव के बारे में बताऊंगा। जिसको भी सियाटिका है सबसे पहले तो बेड रेस्ट करे, ज़्यादा हाथ पैर ना हिलाए, क्योंकि ज़्यादा हाथ पैर हिलाने से जो नस है उस पर प्रेशर पड़ेगा और आपको पेन होगा, जो पेन होगा वो असहनीय पेन होता है। सेकंड है कि जहाँ भी दर्द है वहाँ पे जो गर्म पानी की थैली आती है मार्केट में आती है, गर्म पानी डाले उसमें और उसको सेक करे जितना हो सके, आपको दिन में एक बार दो बार या तीन बार उसको सेक करे। और थर्ड है, आप वहाँ पर जैतून के तेल की मालिश करें। आप जैतून के तेल में आप लहसुन भी मिला सकते हैं, लहसुन आता है उसको आप कली है छोटे छोटे कली करें और उसको जैतून के तेल में गर्म करके आप उसको वहाँ मालिश करें। थर्ड है कि जहाँ भी दर्द है आपको, जहाँ भी आपको पेन हो रहा है, मान के चलो मुझे यहाँ पेन है, मैं सिंपल बता रहा हूँ यहाँ पर पेन है, आपको यहाँ पर एक कपड़ा रखना है और उस कपड़े के ऊपर इस्त्री होती है या प्रेस होती है, हल्की हल्की प्रेस करनी है
कपड़े के ऊपर डायरेक्ट नहीं करनी है, पहले कपड़ा रखना है उसके पास ऊपर इस्त्री करनी है, प्रेस करनी है धीरे धीरे, ज़्यादा हैवी नहीं करनी है। थर्ड है इसमें जो भी पेशेंट हैं उसको आप भारी जूते पहनाए, भारी जूते पहनाने से क्या होगा जो नसों पे प्रेशर पड़ेगा, नसों पे प्रेशर पड़ेगा जिससे ब्लॉकेज जो है वो खुल जाएगा। और फोर्थ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जिसको भी सीआईटी का पेशेंट है उसको कब्ज नहीं होनी चाहिए, पेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसके लिए आप उनको नींबू पानी भी पिला सकते हो। जिसका पेट साफ होगा उसको सीआईटी का ठीक होने के 90% क्या 99% चांसेस रहेगा, जिसको पेट खराब रहेगा उसको सीआईटी का कभी ठीक नहीं हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको इसका सीआईटी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। इसकी मेनली मेडिसिन बहुत है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन है ना टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर काम करती है, हमें पेशेंट के पूरे सिम्टम्स लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा इसमें ब्रीफ में बताना चाहूँगा सीआईटी की दो मेडिसिन मैं आपके बारे में बताऊँगा। सबसे पहली है कोलोसिंथ, कोलोसिंथ आप 30 में लोगे, और दूसरी है ब्राइना, ब्राइना भी आप 30 में लेनी है। आपके दोनों मेडिसिन लानी है, इसके दोनों की दो दो बूंद सीधा टंग पर डालनी है दिन में 3 बार, सीधा आप सीधा डालना है। और थर्ड है मेडिसिन है आप मैकफोस आपको 6x में लेनी है, यह एक बायोकेमिक मेडिसिन है, आपको ये भी फार्मेसी पे मिलेगी। मैकफोस की आप 4-4 गोली दिन में 3 बार लोगे, इसको आप हफ्ते 15 दिन रिपीट करोगे, बार बार आप इसको लेते रहोगे, कम से कम आपको ये 15 दिन कंटिन्यू करनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना रिलीफ मिल रहा है। वैसे मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत है, ये आपको लक्षणों के आधार पर दी जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थेरोपेटिक बता रहा हूँ जो मेनली होम्योपैथिक में यूज करती है, मैं खुद यूज करता हूँ। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेरी वीडियो कैसे लगी, और ये भी बताना कि आप अगली जो वीडियो है वो किस बेस पे बनवाना चाहते हो, किस डिजीज पे बनवाना चाहते हो, मैं उसी के बारे में बताऊँगा, उसके कारण बताऊँगा, उसका उपचार बताऊँगा, उसमें देसी उपचार भी बताऊँगा और होम्योपैथिक उपचार भी बताऊँगा। आप इसमें मेरी स्क्रीन पर मेरा नंबर है, यदि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप कौन सी मेडिसिन आपको चेंज करनी है, कब लेनी है, क्यों रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप मुझे सीधा डायरेक्ट कॉल करें, ये जो आप नंबर देख रहे हो ये नंबर सीधा मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर है, डायरेक्ट मेरे पास ही आएगा, आप सीधा मुझसे बात करना। यदि आप बात नहीं कर सकते आप मेरा क्लिनिक पे भी आकर डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं, हमारी कोई फीस नहीं है, आप सीधा मुझसे आके बात करें, मैं आपको बताऊंगा। यदि आप कहीं दूर रहते हैं तो आप मुझे कॉल किए, मैं आपको घर बैठे आपको मेडिसिन बताऊंगा, आप वहीं अपने आसपास जो मेडिकल फार्मेसी है होम्योपैथिक फार्मेसी है वहाँ से आप मेडिसिन परचेज कीजिए और लीजिए। जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इससे जिसके भी पुराने से पुराना सीआईटी का है वो ठीक हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और आप हमें मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी, और आगे भी मुझसे बने रहिए इसके लिए।